दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स एक बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट वर्क है और इस एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सब कुछ आपको इस एक वीडियो से पता लगेगा कैंटरबरी टेल्स के बारे में। दोस्तों कैंटरबरी टेल्स 24 शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है। कैंटरबरी टेल्स में 24 शॉर्ट स्टोरीज है और उन 24 शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन को कैंटरबरी टेल्स कहा गया है। इन 24 शॉर्ट स्टोरीज को 1387 से 1400 के बीच में लिखा गया था। दोस्तों उस जमाने में लिटरेचर या तो लैटिन लैंग्वेज में लिखी जा रही थी या फिर फ्रेंच में लिखी जा रही थी। इंग्लिश आम बोलचाल की लैंग्वेज थी और इंग्लिश में लिटरेचर को नहीं लिखा जाता था। इसके बावजूद भी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स को मिडल इंग्लिश में लिखा है। इस वजह से चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। दोस्तों होता क्या है कि टैबर्ड इन नाम की एक जगह है, वहां पर सभी पिलग्रिम्स इकट्ठा होते हैं और ये लोग इकट्ठा हुए हैं श्रीन ऑफ थॉमस बेकेट जाने के लिए। श्रीन ऑफ थॉमस बेकेट है कैंटरबरी में, तो ये लोग कैंटरबरी में जाएंगे। अब इन पिलग्रिम्स का होस्ट होता है हैरी बेली। हैरी बेली कहता है सभी पिलग्रिम से कि हम लोग जाएंगे तो बहुत बोर हो जाएंगे रास्ते में, तो क्यों ना हम जाते जाते कहानियां सुनाएं। कहानियां सुनाने से हमारा टाइम भी पास हो जाएगा और हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। हैरी बेली कहता है कि मैं सभी पिलग्रिम्स की कहानी को सुनूंगा और जिसकी कहानी सबसे बढ़िया मुझे लगेगी उसकी कहानी को हम सब की तरफ से दावत मिलेगी मुफ्त की। अब दोस्तों ये डिसाइड होता है कि हर एक पिलग्रिम दो कहानियां जाते टाइम और दो कहानियां आते टाइम सुनाएगा। तो 29 टोटल पिलग्रिम्स हैं और एक नरेटर है, तो 29 प्लस 1 टोटल पिलग्रिम्स हो गए 30। ठीक है, 29 पिलग्रिम्स हैं, एक नरेटर है, टोटल हो गए 30 और हर एक पिलग्रिम दो कहानियां जाते टाइम दो कहानियां आते टाइम सुनाएगा, यानी एक पिलग्रिम चार कहानियां सुनाएगा। तो इस तरह से चौसर ने प्लान किया था कि वो 120 स्टोरीज को लिखेंगे। लेकिन दोस्तों चौसर जब कैंटरबरी टेल्स को लिख रहे होते हैं तो उनकी मौत हो जाती है और इस वजह से चौसर सिर्फ 24 स्टोरीज ही लिख पाते हैं, हालांकि उनका इरादा 120 स्टोरीज लिखने का था। दोस्तों इन 24 स्टोरीज में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए कहानियां शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको नाइट की कहानी बताने जा रहा हूं, क्योंकि कहानियों का जो सिलसिला है वो नाइट ने ही शुरू किया था। दोस्तों नाइट की कहानी शुरू होती है एथेंस नाम की एक जगह से। इस कहानी में एक राजा होता है थीसियस। थीसियस अपनी सिस्टर इन लॉ यानी अपनी वाइफ की बहन एमिली के साथ अपने शहर एथेंस में वापस जा रहा होता है। रास्ते में थीसियस को कुछ औरतें मिलती हैं, औरतें रो रही होती हैं और थीसियस से रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, आप हमारे लिए लड़ो। थीसियस उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, तो वो औरतें बताती हैं कि क्रियोन किंग ने हमारे हस्बैंड्स की लाशें हमें वापस नहीं दी अंतिम संस्कार के लिए, तो आप क्रियोन किंग से लड़ो और हमारे लिए बदला लो। दोस्तों इन औरतों के हस्बैंड्स की लड़ाई में डेथ हो जाती है और क्रियोन किंग इनके हस्बैंड की डेथ बॉडीज इनको वापस नहीं दिया था, तो थियोसिस बदला लेने के लिए राजी हो जाता है और वह क्रियोन से लड़ता है। लड़ाई में दो बंदे होते हैं, पैलमन और एरसाइट। ये दोनों बंदे लड़ाई में घायल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, तो थीसियस इन दोनों को अपने साथ अपने शहर एथेंस में ले आता है और लाकर जेल में डाल देता है। दोस्तों जेल में पैलमन और एरसाइट एक सुबह एमिली को देखते हैं और एमिली को देखते ही वो पिघल जाते हैं। एमिली की खूबसूरती को देखते ही ये दोनों उसके दीवाने हो जाते हैं। पैलमन और एरसाइट दोनों को एमिली से प्यार हो जाता है। अब दोस्तों इन दोनों कजन्स में अरसाइड जो होता है उसको जेल से छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अरसाइड और थीसियस का एक म्यूचुअल फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड अरसाइड को छुड़वा देता है। लेकिन अरसाइड को इस वार्निंग के साथ छोड़ा जाता है कि तुम जेल से बाहर निकलने के बाद इस शहर में वापस नहीं आओगे। लेकिन अरसाइड तो एमिली का दीवाना हो गया है, इसलिए अरसाइड अपना भेष बदल लेता है ताकि उसे कोई पहचान न सके और वो एथेंस में आ जाता है। भेष बदलकर एरसाइट थीसियस के महल में काम भी ले लेता है और उसके महल में काम करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर जो पैलमन था वो जेल में ही था, लेकिन पैलमन जेलर को बेहोश करके जेल से भाग जाता है। अब ये दोनों कजिन्स पैलमन और एरसाइट दोनों आजाद हो गए हैं, जेल से बाहर हो गए हैं। दोस्तों पैलमन और एरसाइट दोनों कजिन्स होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी थे और इन दोनों की बाउंडेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन दोस्ती के बीच में अब लड़की आ गई थी। पैलमन जेल से भागकर जंगल में जाकर छुप जाता है,
लेकिन उसी जंगल से अरसाइड भी गुजर रहा होता है। पैलामैन अरसाइड को नहीं पहचानता क्योंकि अरसाइड ने भेष बदल रखा होता है, लेकिन अरसाइड पैलामैन को पहचान लेता है। दोस्तों जंगल में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं एमिली के लिए। ये दोनों फैसला करते हैं कि जो जिंदा बचेगा एमिली उसकी। दोनों फैसला करते हैं कि कल सुबह प्रॉपर हथियार के साथ तैयार होकर आएंगे जंगल में, और जो जिंदा बचेगा एमिली उसकी। सुबह होती है, दोनों जंगल में फाइट के लिए आते हैं, लेकिन तभी वहां पर थीसियस आ जाता है और उसे सारी बात पता लग जाती है कि ये लोग क्यों लड़ रहे हैं। थीसियस उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को एमिली के लिए लड़ना ही है तो ढंग से लड़ो, एक साल तक रुको, दोनों अपनी अपनी आर्मीज को बढ़ाओ, तैयार करो और फिर लड़ो, और फिर तुम दोनों में से जो कोई भी जीतेगा उसकी शादी मैं एमिली से करवा दूंगा। इसके बाद ये दोनों जुट जाते हैं अपनी अपनी फौज को बनाने में। थीसियस भी इनकी लड़ाई के लिए एक अखाड़ा तैयार करवाता है। एक साल बीत जाता है, दोनों अपनी अपनी आर्मीज को तैयार करके लाते हैं और उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। दोस्तों लड़ाई में एरसाइट जीत जाता है और पैलेमन हार जाता है, लेकिन दोस्तों तभी उस जगह पर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है और एरसाइट घायल हो जाता है। सब लोग सोचते हैं कि एरसाइट थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन एरसाइट रिकवर नहीं हो पाता। अपने बेड पर मरने से पहले एरसाइट एमिली से कहता है कि पैलेमन कितना अच्छा लड़का है और पैलेमन ही तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टनर है। इसके बाद एरसाइट मर जाता है और लास्ट में पैलेमन और एमिली की शादी हो जाती है। नाइट की स्टोरी खत्म होने के बाद मिलर कहता है कि नाइट के बाद अब वह कहानी सुनाएगा। मिलर एक मजे लेने वाला शराबी इंसान है और वह कहता है कि उसकी कहानी सच्ची है। तो दोस्तों मिलर की कहानी कुछ इस तरह है। एक जमाने की बात है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हुआ करता था निकोलस। निकोलस एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों कहानी में एक और करेक्टर है जॉन। ये एक बूढ़ा कारपेंटर है, लेकिन इसकी जो वाइफ है वो 18 साल की नौजवान है जिसका नाम है एलिसोन। अब दोस्तों निकोलस एलिसोन के साथ अपने तार जोड़ने लगता है, उसको पटा लेता है और ये दोनों आपस में खूब इंजॉय करने लगते हैं, एक दूसरे की कंपनी को खूब इंजॉय करते हैं और सेक्सुअल रिलेशंस भी इस्टेब्लिश कर देते हैं। एलिसोन भी नौजवान निकोलस की कंपनी को इंजॉय कर रही होती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ निकोलस ही नहीं होता जिसे एलिसन पसंद है, समाज में और भी बहुत से लोग होते हैं जिनकी निगाहें एलिसन पर होती हैं। निकोलस की तरह ही एक और बंदा है एप्सलोन। इस बंदे की निगाहें भी कारपेंटर की नौजवान वाइफ एलिसन पर हैं। एप्सलोन एलिसन के लिए गिफ्ट्स लेकर आता था और उसको पैसे भी देता था, लेकिन फिर भी एलिसन निकोलस को ही पसंद करती थी। निकोलस अब एक प्लान बनाता है जिससे ये दोनों एलिसन और निकोलस पूरी रात एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं। निकोलस कारपेंटर के पास जाता है और उससे कहता है कि बहुत भयंकर बाढ़ आने वाली है, सब कुछ तबाह होने वाला है, इसलिए आपको, मुझे और आपकी वाइफ को, हम तीनों को नाव के अंदर बैठना होगा ताकि हमारी जान बच जाए। तो दोस्तों ये तीनों नाव में जाकर बैठ जाते हैं और कारपेंटर नाव में जाके सो जाता है। जैसे ही कारपेंटर सोता है, निकोलस और एलिसन दोनों वापस से कारपेंटर के घर पर चले जाते हैं और कारपेंटर के बेड पर मौज करते हैं। उसी दौरान एप्सिलन भी वहां से जा रहा होता है। एप्सिलन सोचता है कि क्यों ना एलिसन से एक किस ले ली जाए, तो वह एलिसन से किस लेने के लिए उसके घर पर चला जाता है। एलिसन एप्सिलन को किस करती है डार्कनेस में। एप्सलम एक्साइटमेंट में थोड़ा और करीब जाता है, लेकिन एप्सलन को रियलाइज होता है कि वह लिप्स नहीं है बल्कि अर्स है। अर्स का मीनिंग आप नेट पर सर्च कर लेना। तो जैसे ही एप्सलन को यह पता लगता है कि वह लिप्स नहीं है, एलिसन और निकोलस दोनों बहुत जोर से हंसते हैं। हंसते हंसते उनका पेट दर्द करने लगता है। एप्सलम अपने मुंह को साफ करता है। एप्सलम बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वह लोहार के पास जाता है और एक गरम गरम लोहे की सीख उठाता है। एप्सलम दोबारा से एलिसन के घर पर जाता है और खटखटाता है और कहता है कि मुझे एक किस और चाहिए, और किस के बदले में वह एक रिंग देगा, एक अंगूठी देगा किस के बदले में। इस बार निकोलस एलिसन को रोकता है और उससे कहता है कि इस बार मैं जाता हूँ। निकोलस खिड़की पर जाता है और एप्सलम के मुंह पर फाट कर देता है। एप्सलम गरम सीख के साथ तैयार खड़ा होता है और वह निकोलस के वो गरम गरम सीख घुसा देता है। निकोलस की हालत खराब हो जाती है।
नाइकोलस चिल्लाता है, हेल्प हेल्प, वाटर वाटर। ये चिल्लाहट सुनकर जॉन की आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि कोई वाटर वाटर चिल्ला रहा है, लगता है बाढ़ आ गई है। जॉन अपनी नाव को छत से उतार देता है, लेकिन नीचे तो पानी होता नहीं, तो जॉन की नाव धड़ाम से नीचे गिरती है और उसका हार्ट टूट जाता है। लोग जॉन के ऊपर हंसने लगते हैं। जॉन लोगों को बताता है कि बाढ़ आने वाली है, लेकिन नाइकोलस और एलिसन दोनों कहते हैं कि जॉन पागल हो गया है। दोस्तों, इसके बाद रीव नाम का एक बंदा होता है ग्रुप में, ये कारपेंटर होता है, तो इसको ऐसा लगता है कि मिलर ने इसका मजाक बनाया है, इसलिए रीव भी एक कहानी सुनाता है मिलर से बदला लेने के लिए। क्योंकि मिलर की कहानी में जो जॉन था वो कारपेंटर था, तो रीव को लगता है कि मैं भी कारपेंटर हूँ और जॉन के जरिए इसने मेरी बेइज्जती करी है। अब बदला लेने के लिए रीव कहानी सुनाता है। रीव कहता है, मिलर नाम का एक बंदा कॉलेज के पास में रहता था और मिलर चक्की पर अनाज पीसने का काम करता था। मिलर की चक्की पर जो कुछ भी अनाज आता था पीसने के लिए, उसमें से मिलर चोरी कर लेता था, थोड़ा अनाज अपने लिए रोक लेता था। एक दिन क्या होता है, कॉलेज का म्यूनिसिपल कहते हैं भोजन अधिकारी को, जो भोजन की व्यवस्था करता है, तो म्यूनिसिपल कॉलेज का बीमार हो जाता है और बीमार होने की वजह से वह मिलर की चक्की पर नहीं आ पाता और मिलर सारा अनाज लूट लेता है। अब कॉलेज में दो स्टूडेंट्स होते हैं, जॉन और एलन। जब इन दोनों को पता लगता है कि मिलर ने चोरी कर ली है, सारा अनाज चोरी कर लिया है, तो ये दोनों मिलर की चक्की पर जाते हैं और कहते हैं कि हम अनाज को अपनी आंखों के सामने पिसवाएंगे और फिर लेकर जाएंगे। मिलर समझ जाता है कि ये दोनों मेरी चोरी रोकने के लिए आए हैं। मिलर बहुत मक्कार इंसान है। मिलर उन दोनों स्टूडेंट्स के घोड़ों को खोल देता है। दोनों घोड़े इधर उधर भागते हैं और ये दोनों स्टूडेंट्स अपने अपने घोड़ों को पकड़ने में लग जाते हैं और मिलर पीछे से अनाज चोरी कर लेता है। जब ये दोनों स्टूडेंट्स अपने घोड़े पकड़ रहे होते हैं, उतनी देर में मिलर अपना काम कर लेता है। अब दोस्तों, घोड़ों को पकड़ते पकड़ते रात हो जाती है और ये दोनों स्टूडेंट्स मिलर से कहते हैं कि अब तो रात बहुत हो गई है, आज रात तुम हमें अपने घर में ही ठहरा लो और कल सुबह हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे। मिलर अपने घर में इन दोनों स्टूडेंट्स को रोकने के लिए राजी हो जाता है। दोस्तों, मिलर के घर में एक खूबसूरत वाइफ है और एक 20 साल की नौजवान बेटी है मिलर की, और एक छोटा बेटा भी है। दोस्तों, मिलर का घर बहुत छोटा है, इसलिए सभी लोग एक ही कमरे में सोते हैं, लेकिन सबके बेड अलग-अलग होते हैं। जब मिलर और उसकी पूरी फैमिली सो जाती है, तो जॉन और एलन सोचते हैं कि हम कैसे मिलर से बदला ले सकते हैं, उसने जो चोरी करी है उस चोरी का कैसे मिलर को सबक सिखा सकते हैं। तो ये दोनों अपनी रात मिलर की वाइफ और बेटी के साथ गुजारते हैं। एलन मिलर की बेटी के पास जाता है और जॉन मिलर की वाइफ के पास जाता है, और ये दोनों मिलर की बेटी और वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं। मिलर की बेटी एलन को बताती है कि उसके फादर मिलर ने चोरी किया हुआ अनाज कहाँ रखा है। अगली सुबह जॉन और एलन दोनों चोरी किया हुआ अनाज अपने साथ ले जाते हैं, और इस तरह रीफ की कहानी खत्म होती है। अब दोस्तों, इसके बाद हम आपको वाइफ ऑफ बाथ की कहानी सुनाते हैं। वाइफ ऑफ बाथ की कहानी है किंग अर्थर के टाइम की। किंग अर्थर के टाइम एक नाइट हुआ करता था जो बहुत ही लस्टफुल था, और उस नाइट ने एक औरत का रेप कर दिया था। सब लोग नाइट से बहुत गुस्सा हो गए थे और सभी लोग इंसाफ के लिए किंग अर्थर के पास जाते हैं। किंग अर्थर को जब पता लगता है कि नाइट ने ऐसे ऐसे एक लड़की का रेप करा है, तो किंग अर्थर नाइट का सर धड़ से अलग करने का फैसला करता है। लेकिन वहां पर जो किंग अर्थर की वाइफ होती है, जो क्वीन होती है, वो नाइट की जान बचा लेती है। क्वीन नाइट को बुलाती है और कहती है कि तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ। तुम्हें यह पता करना होगा कि एक औरत को क्या चाहिए होता है, और अगर तुमने ये पता कर लिया तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, लेकिन अगर तुम ये नहीं पता कर पाए कि एक औरत को क्या चाहिए होता है, तो फिर मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगी, और ये पता करने के लिए तुम्हारे पास 1 साल का समय है। अब ये नाइट अलग अलग औरतों के पास भटक रहा है, घूम रहा है और पूछ रहा है, लेकिन सभी औरतों के अलग अलग जवाब होते हैं। फाइनली नाइट को एक बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि एक औरत को क्या चाहिए होता है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मुझे अपनाना होगा।
दोस्तों उस समय नाइट को अपनी जान से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं था और वो बूढ़ी औरत से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा हो जाऊंगा लेकिन मेरी जान बचा लो। इसके बाद नाइट उस बूढ़ी औरत को क्वीन के पास लेकर जाता है। बूढ़ी औरत क्वीन से कहती है कि एक औरत को अपने हस्बैंड पर अधिकार चाहिए होता है। बूढ़ी औरत के जवाब से क्वीन और उसकी सर्वेंट सभी लोग एग्री होते हैं और नाइट की जान को बख्श दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो बूढ़ी औरत होती है वो नाइट से कहती है कि शर्त के अनुसार अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, या तो तुम मुझे बूढ़ा और बदसूरत एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम बूढ़ा और बदसूरत मुझे एक्सेप्ट करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ वफादार रहूंगी, तुम्हारे साथ फेथफुल रहूंगी, या फिर मैं खूबसूरत हो जाती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझे खूबसूरत रूप में एक्सेप्ट किया तो फिर मैं वफादार नहीं होंगी, अनफेथफुल हो जाऊंगी। तो नाइट उस औरत को बदसूरत लेकिन फेथफुल एक्सेप्ट करता है। नाइट के इस फैसले से वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और वो बूढ़ी औरत अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देती है और एक खूबसूरत नौजवान लड़की बन जाती है और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको पार्टनर की कहानी बताता हूँ। दोस्तों चौसर ने जितने भी करेक्टर्स बताए थे उन सभी करेक्टर्स में सबसे बेकार सबसे नीच करेक्टर पार्टनर को ही बताया गया है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्टनर ने चर्च को एज अ टूल इस्तेमाल किया है अपने खुद के फायदे के लिए। He uses the church and holy religious objects as tools to profit personally. तो सबसे बेकार करेक्टर यही है। तो चलिए पार्टनर की कहानी सुनते हैं। पार्टनर कहता है, एक जमाने की बात है, तीन नौजवान लोग हुआ करते थे। ये तीनों लोग शराब खाने में बैठकर खूब शराब पीते थे। अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा शराब ये लोग पी लिया करते थे। एक दिन शराब खाने से गुजर कर एक जनाजा जा रहा होता है। तीनों नौजवान पूछते हैं कि ये किसका जनाजा निकल रहा है। तो एक सर्वेंट उन्हें बताता है कि ये तुम्हारा ही दोस्त है जिसका जनाजा निकल रहा है और तुम्हारे दोस्त को चाकू से मारकर हत्या कर दी गई है। और जिसने तुम्हारे दोस्त को मारा है ना वो एक चोर है और उस चोर का नाम है डेथ। तो ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं कि ये उस चोर को पकड़कर मारेंगे। जब ये तीनों चोर के पास जा रहे होते हैं, उसे ढूंढ रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। ये तीनों उस आदमी से पूछते हैं कि डेथ कहाँ मिलेगा। तो वह बूढ़ा आदमी उन्हें पेड़ की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उस पेड़ पे तुम्हें डेथ मिल जाएगा। जब ये तीनों ट्री पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर 8 bushel गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि रात को ये लोग सारा सोना यहाँ से ले जाएंगे। ये तीनों एक गेम खेलते हैं और जो कोई भी उस गेम में हारेगा वो बंदा शहर में जाकर खाना और शराब लेकर आएगा। तो इन तीनों में जो सबसे छोटा वाला बंदा होता है वो गेम हार जाता है और अब सबसे छोटा वाला बंदा शहर जाएगा और शहर जाके शराब और खाना लेकर आएगा सभी बाकी बचे हुए बंदों के लिए। जब वो बंदा खाना और शराब लेने के लिए जाता है शहर में, तो बचे हुए दो बंदे प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि हम उस बंदे को मार देंगे जो शराब और खाना लेने गया है ना शहर, कहते हैं कि हम उसे मार देंगे ताकि हमें इस सोने को तीन जगह नहीं बल्कि दो जगह डिवाइड करना होगा, इस तरह से हमारा एक हिस्सा कम हो जाएगा। लेकिन जो शराब लेने गया है वो भी कम मक्कार नहीं था। उस बंदे ने ये प्लान बनाया था कि मैं इन दोनों को मार दूंगा ताकि जो सारा सोना है वो मेरा हो जाएगा और मुझे ये सोना उन दोनों में डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, शराब जो खरीदता है उस शराब में जहर मिला देता है। अब जैसे ही वो बंदा शराब और खाना लेकर पहुंचता है बाकी के दो बंदे उसे मार डालते हैं। उसको मारने के बाद वो दोनों शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद वो दोनों भी मर जाते हैं। और इस तरह ये तीनों दोस्त एक दूसरे को मार देते हैं और लास्ट में तीनों मर जाते हैं। अब दोस्तों इन सब में एक कहानी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नंस प्रीस्ट टेल। बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है वो, लेकिन उसके ऊपर मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख लो जाकर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।